सुशील मोदी जी तो उनके पास तो डिसीजन मेकिंग की पावर है नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सुशील मोदी जी का ये कहने का मतलब है कि वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे विश्वास नहीं रखते। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का जो चेहरा जो कहते हैं, तो ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि इतने सालों में भी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो अब तक एक चेहरे लायक नहीं है, यानी कोई चेहरा नहीं बन सकता। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार जी कप्तान हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों लोग जो हैं पता चल जाएगा कौन कितने दूध कितने पानी में है। एक बीजेपी में, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ, संजय पासवान का बयान आया, कई और नेताओं का बयान आ रहा है कि नीतीश जी को खाली करना चाहिए, ही शुड वैकेट ए सीट। क्या लगता है आपको, लगता है ये खाली करने जाए 15 साल ना? अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, कैप्टन हैं, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ से चले जाएं दिल्ली जाकर के ठीक करें। तो ये देखिए कहाँ है, क्या नहीं होगा, अब तो हमको ये तो दूसरे पार्टियों का मामला है कि कौन होगा कप्तान, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कई बड़े लोग जो हैं, ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार जी ने अपने काम पे नहीं वोट मांगा, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा। इससे को इसीलिए तो हमने ट्वीट किया था, पूछिए नीतीश कुमार जी से, उन्होंने अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे थे। चल एक सवाल, झारखंड में इंटरनली कुछ चल रहा है दोनों पार्टी में, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ बात है तभी तो इस तरीके से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर संजय पासवान अगर इस तरीके से बोल रहे हैं और दिन भर, वो नीतीश कुमार जी मैन है तो ये तो सबको पता है। आप गई अगर पीछे अगर बीजेपी नेताओं से बात कीजिए तो सब बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि सुशील मोदी जी जो हैं वो नीतीश जी के आदमी हैं, और बीजेपी को आगे इसीलिए नहीं बढ़ने दिया गया, आखिर कोई चेहरा क्यों नहीं हो पा रहा है। सुशील मोदी जी तो उनके पास तो डिसीजन मेकिंग की पावर है नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सुशील मोदी जी का ये कहने का मतलब है कि वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे विश्वास नहीं रखते। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का जो चेहरा जो कहते हैं, तो ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि इतने सालों में भी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो अब तक एक चेहरे लायक नहीं है, यानी कोई चेहरा नहीं बन सकता। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार जी कप्तान हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों लोग जो हैं पता चल जाएगा कौन कितने दूध कितने पानी में है। एक बीजेपी में, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ, संजय पासवान का बयान आया, कई और नेताओं का बयान आ रहा है कि नीतीश जी को खाली करना चाहिए, ही शुड वैकेट ए सीट। क्या लगता है आपको, लगता है ये खाली करने जाए 15 साल ना? अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, कैप्टन हैं, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ से चले जाएं दिल्ली जाकर के ठीक करें। तो ये देखिए कहाँ है, क्या नहीं होगा, अब तो हमको ये तो दूसरे पार्टियों का मामला है कि कौन होगा कप्तान, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कई बड़े लोग जो हैं, ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार जी ने अपने काम पे नहीं वोट मांगा, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा। इससे को इसीलिए तो हमने ट्वीट किया था, पूछिए नीतीश कुमार जी से, उन्होंने अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे थे।